What's up YouTube? Welcome back to our reaction channel. ये वो घमंडी औरत है भाई सुनो मेरी बात. घमंडी होती तो my channel बोलती. Our channel. Okay bro. बीबी की वाइंस फैसला ये वीडियो है. इसके ऊपर काफी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि भैया रिक्वेस्ट है बना दो, फैसला किसका है हमें ना पता. मैंने देख रही हूँ, मेरी ऐसा लग रहा है मेरी आंखों के नीचे कैसे. झूठी औरत है ये पूरे दिन सोती है. 24 घंटे में से लगा लो 12-13 घंटे सोती सोती. नहीं गाइस, रात में 1:30-2:30 बजे के आसपास तो स्ट्रीम से फ्री होते हैं. कल कहती चैलेंज करेंगे कि वीडियो देखेंगे और जो हंस गया ना वो मिर्ची खाएगा. मैं कर रहने दे. अगर आप चाहते हो ऐसा चैलेंज देखना, ऐसा भयंकर मिर्ची भरा चैलेंज देखना, तो भैया आप कमेंट करके बता सकते हो. उसमें मैं हंसूंगा तो मैं खाऊंगा ये ऐसे ही, तो ये खाएगी. वीडियो देखते हो भैया ऐसा ही कुछ दमदार चैलेंज करेंगे अगर आप लोग सर्च करोगे तो. कैस्पर गेमिंग हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है गेमिंग चैनल का, सब्सक्राइब कर लेना भाई और सपोर्ट करो. रात के 10 बजे से 1 बजे तक लाइव स्ट्रीम होती है और इस चैनल पे रिएक्शन वीडियोस, ब्लॉग्स आते हैं, प्रैंक्स आते हैं धुआंधार. तो नए हो सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को भी, और पुराने हो तो लाइक और शेयर. यस भाई, और वीडियो शेयर कर सकते हो आप. बाकी वीडियो देखते हैं, इन्जॉय करेंगे साथ में. तैयार है, कान में लगा लो ईयरफोन. लग गई, बहुत तेज हो गए हो सारे के सारे. रेडी स्टडी एंड रेडी. हाँ कहाँ पहुंचे बे, तू पिछले 10 मिनट से यू टर्न ले रहा है क्या? जल्दी आ, मेरी ट्रेन निकल जाएगी. मामा मत जाओ ना, थोड़े दिन और रुक जाओ. बेटा अपना सारा काम छोड़ के आया था मैं, और छुट्टी नहीं ले सकता. मामा रॉक्स, एक दो दिन और रुक जाओ ना, मेरी जगह वसूली तू करेगा. पता है कम्युनिकेशन गैप की वजह से कितनी दिक्कत हो रही है. एक आदमी मेरे 50,000 रुपए नहीं दे रहा था तो मैंने गुल्लू से कहा उसका सर मुंडवा के फोटो खींच के उसी के फेसबुक पे डीपी लगा दे. पता चला वो पहले से ही गंजा था. 26 लाइक मिले वो अलग. पर मामा आप चले जाओगे तो हमारी प्रॉब्लम्स को कौन दूर करेगा? ए बेटा तू बड़ा हो गया है, अब अकेले लड़ना सीख. yes. जिंदगी में 3 चीजें हमेशा आती रहेंगी, टट्टी चुनौती चूती. टट्टी को बहा दो, चुनौतियों से निपट लो, चूतियों से दूर खिसक लो. कब तक अपने मामा की हेल्प लेगा? और वैसे भी ज्यादा लफड़ा हुआ तो एक फॉर्म घुमा दो. टीटू मामा हाजिर. मामा हाजिर बहन के टाइम. हेलो किधर? तुम्हारी कंपनी ने तुम्हें GPS दिया है, उसको यूज करना सीखो. तुमसे अच्छा तो रिक्शा वाले हैं, साला दिल्ली के ऑटो वाले को पता होता है मेरी भोपाल की मौसी कहाँ रह रही है. अबे कौन सी गली में घुस गया तू? रुक मैं आ रहा हूँ. मामा चल बेटा मिलता हूँ. मम्मी पापा का ध्यान रख, और जो बेसलिन की बोतल बिस्तर के नीचे रखी उसको वापस अलमारी में रख दे. मामा नहीं करेगा. ओके बेटा बाय, मिलता हूँ फोन करता रहूंगा. चल बाय. गजब बैच, अपना मूड सही कर. पहले भी तो तीनों सबसे निपट लेते थे. yes. By the way, ट्यूशन में 3 नई लड़कियां आई हैं यार, बहुत क्यूट है. चल हेलो बोल के आते हैं, उनसे आरएस भी ले आएंगे. लड़कियां रॉयल स्टैग पक्का है. आरएस अग्रवाल, आरएस रॉयल स्टैग, याद है आरएस अग्रवाल. लड़की के चक्कर में मत फंसो, अपना लो ब्रह्मचार्य. खुद का उठता नहीं और हमें समझा रहा है. हर बार मजाक नहीं करते. ये बात तेरे बाप ने भी तुझे देख के पहली बार आंटी को बोली थी, बार बार ऐसा मजाक नहीं करेंगे. आपने पापा को इंजेक्शन क्यों मारा? ओ पता चल गया, तो हुतिया गर्दन के बीह में मारेगा तो दिखेगा नहीं. क्यों मारा? क्यों, कब, कैसे, ये तो वक्त ही बताएगा बेटे. बुला फाले वक्त मुहावरा है. कितनी नफरत भरी आपके अंदर. बुला साले जो आए लेके दिल में इतनी नफरत. सब के लोड़े लगाना टीटू मामा की है आदत. स्लैप से करेंगे तेरा स्वागत. टीटू भाई, टीटू मामा, अब वापस कैसे? गाड़ी में बैठते ही पता चला कि मैं अपना फोन का चार्जर तो इधर ही भूल गया हूँ, तो लेने आ गया तेरी. अब बंदर को लकुआ मारा, ऐसी शक्ल क्यों बना रहा है? बंदर नहीं, मैं शेर का बेटा हूँ. आंटी जंगल कब गई? अरे हाथ में क्या है? लड्डू लाया हूँ. आज मेरे लिए खुशी का दिन है. ओहो मुबारक हो, नसबंदी कराई है, मेरा प्रमोशन हुआ है. भोपड़ी वाले से और ऊपर क्या होता है? उड़ी उड़ी उड़ी. जीजा जी को इंजेक्शन क्यों मारा? तुम लोगों ने मेरी बहुत बेइज्जती की है, तो उसका बदला किसी से तो लेना था. तो बबलू जी की कुछ तस्वीरें, खाते हुए, बिना खाते हुए, हंसते हुए, बिना हंसते हुए, कपड़ों के, बिना कपड़ों के, इस पेन ड्राइव में. वाह लड़के वाह, खुद को भी नहीं पता बेचारे बेहोशी में अपना फोटो शूट करा बैठे. क्या चाहिए तेरे को? 50 लाख रुपए. नहीं तो इस पेन ड्राइव की सारी फोटोज ऑफिस के हर एम्प्लॉई के पास होगी. 50 लाख. इतने पैसे कहाँ से लेंगे हम? बबलू जी बेहोशी में बोल तो रहे थे कि उनकी सेविंग्स और FD मिला के कुल 40 लाख तो हैं, बाकी तुम देख लो. मामा बेटा गांड का इलाज हो सकता है, गांडू का नहीं. क्या गारंटी है कि अगर मैं तुझे 50 लाख रुपए दूंगा तो इनको वापस तक नहीं करेगा? आप क्यों दोगे पैसे? मैं दूंगा. तू अकेला नहीं है बैंचू, मैं भी तेरे साथ हूँ.
साथ में कुछ जुगाड़ कर लेंगे। इवन आई विल कंट्रीब्यूट। बेटे दोस्त दोस्त की मदद कर रहे हैं। वाह वेरी गुड। तू क्या समझेगा दोस्ती को? इंसान की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो अपने दोस्त खुद चुन सकता है। ऐसे दोस्त मिलने उतने मुश्किल है जितना पॉर्न फिल्म। एक नंबर भाई, एक नंबर। माँ बाप भाई बहन या किसी भी रिश्तेदार के आगे बेस्ट नहीं लगाता कोई, लेकिन फ्रेंड के आगे बेस्ट लगा सकती है, क्योंकि पता है कि ये इंसान जिंदगी की हर मुश्किल में मेरे साथ फंसेगा। ऐसी यारी निभाने के लिए गूदा चाहिए, क्योंकि जो बुरे वक्त में कटले वो घोस्ट होता है, लेकिन जो साथ रह के टेंशन ले वही दोस्त है। ये बच्चा तुझे 50 लाख रुपए दे पाएगा? अरे वो इसके 400 रुपए नहीं लौटा पा रहा, फिर भी बोल पड़ा कि मैं जुगाड़ कर लूंगा। क्यों बोला ऐसा? ताकि उसका मन हल्का हो जाए। दोस्तों के बिना जिंदगी मतलब निप्पल के बिना छाती, पॉइंटलेस। भाषण अच्छा है। कितने सेल्फिश हो। सबको अपनी जिंदगी जीने का हक है। तभी तो तेरी फक्ट अप है। एड्रेस क्या है? तेरे घर बैग पहुंच जाएगा। 29F जनकपुरी। 29F वो बैग पहुंचा दियो। ओला बाहर से बोला। मेरी ट्रेन भी छूट गई, धंधे में फिर नुकसान होगा अब। हेलो कविता, अब वो कुछ जरूरी काम आ गया था तो मेरी ट्रेन मिस हो गई। अरे गुस्सा मत करो, मैं अगली ट्रेन पकड़ के आ जाऊं। ओ ये तुम रो रही हो क्या? नहीं 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 नहीं, अब तुम्हें मेरी कसम, रोना नहीं, रोना नहीं, लोना नहीं है, लोना नहीं। क्यों मामा? शादी से पहले मैंने कविता को वादा किया था कि मैं उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा, पर आज मैंने वो वादा तोड़ दिया। कहे? तेरी वजह से। मैंने कहा था मुझसे मत भिड़ना। पेशाब की धार से अपनी मर्दांगी साबित करने वाले अक्सर अपनी पैंट में मूत देते हैं। अब तू देख, उंगली नीचे कर। मुझे पता था इसकी यही फैंटेसी है, तभी तो बीवी दुखी रहती है। मेरी बीवी मुझसे बहुत खुश है, क्योंकि उसकी माँ ने उसको सिखाया था कि छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढो। लेकिन 50 लाख का मालिक कौन? मैं। इस कीदड़ शेर की लड़ाई में जीता कौन? मैं। तुम सब पे हंसेगा कौन? मैं। बकरी क्या कहती है? मैं। ये क्या लॉजिक? तुम बैंकॉक में किसी लूसी से मिला था क्या? लूसी? हाँ वही, जिसको तू रात को अपने कमरे में लेके गया था। तुझे कैसे पता? टीटू नाम है मेरा। कॉम्पिटिटर की बरकत और दुश्मन की हरकत दोनों पर नजर रखता हूँ। अभी क्या है, तेरे घर पे एक बैग पहुंचेगा जिसमें लूसी और तेरी चुम्मा चाटी और 7 सेकंड के बाद की बूंदा बांदी दोनों की वीडियो है। Yes. 7 सेकंड में निपट गया। इनो काम करे फुल सिर्फ 6 सेकंड में। होला काम खत्म 7 सेकंड में। हेलो। हाँ काला बैग क्या है उसमें? पेनड्राइव? उसको खोलना मत, हाथ में लगाना, मैं अभी आ रहा हूँ। 50 लाख रुपए रखेगा कौन? हम। इस गीदड़ और शेर की लड़ाई में जीता कौन? हम। तुझ पे हंसेगा कौन? हम। लड़कियां गुस्से में क्या बोलती हैं? ये अच्छा नहीं किया तूने। पेन ड्राइव देके जा। ओला तेरी बीवी ने तेरा बैग अगर खोला तो पिछाड़े के टुकड़े कर देगी। सोला फिर तू रोड पे आ जाएगा। अब एक बात बताऊं, मतलब स्क्रिप्ट कैसे घुमाई? मतलब मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था बिल्कुल भी। मेरे को ये था कि एक ही बंदा है ना जो इतनी जल्दी 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 जो वो कर, मतलब सारे डायलॉग वगैरह एक ही बंदा है यार, इतने सारे कैरेक्टर, मतलब एक सारे स्क्रिप्ट लिखना और एक कैरेक्टर प्ले करना भाई, और फिर उसके एडिटिंग जब करते हैं तो ये ध्यान रखना कि वो क्लिप वो भाई, कई बार दिमाग घूम जाता है। और जिस तरीके से स्टोरी घुमाई ना ये वाली है, क्या इससे मांग रहा था? कह रहा रुक जा लूसी, साले लूसी को ढूंढ रहा। 7 सेकंड काम करे सिर्फ 7 से 6 सेकंड में। इनो साले बचो तो सही था। कह रहा बोला साले रहने, पकड़ेगा झोला बाहर घूमेगा। स्क्रिप्ट बहुत अच्छी ली, और जिस तरह घुमाए ना कि पहले 50 लाख, मेरे को लगा 50 लाख इकट्ठे करने में इनकी फट जाएगी, फिर बाद में पता लगा 50 लाख की तो जरूरत ही नहीं है। टीटू मामा रॉक्स। कौन रॉक्स? टीटू। और वो समीर भी कह रहा मैं भी हेल्प करूंगा। अच्छा तो ओके, इसकी मूंछ मतलब वैसी वाली भी ला सकता था जो ओरिजिनल होती है, बट थोड़ा सा वो करने के लिए फन वे में पहन की तरह लुक आता है ना टीटू मामा का रॉक्स। भाई मामा लोग तो सही होते हैं, बकचोद होते हैं भाई, छोटी छोटी चीज़ों में हेल्प कर देते हैं, बकचोदी कर देते हैं और जिंदगी के स्वाद दिला देते हैं। समझ गए? मौज लो जिंदगी की। जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है भैया, किसी पे डिपेंड मत करो। जैसे बीबी का भाई खुद वीडियो बनाते हैं ना, वैसे ही अपनी लाइफ में खुद पे डिपेंड रहो, कुछ भी कर सकते हो। एक वो अच्छा था आरसी, कह रहा लड़के से आरसी लेके आएंगे। कह रहा लड़कियाँ रॉल्स नहीं रखती है बहन की टैट। भैया यार गजब है भाई, गजब। मतलब कैसे कैसे सोच के स्क्रिप्ट लिखी जाती है। फमीर तभी भाई बीबी की वाइंस भाई, वन ऑफ द नंबर वन क्रिएटर्स इन इंडिया का गजब। बस 20 मिलियन जल्दी से हो जाए भाई के, मजा आ जाएगा। यस तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एंड ब्लॉग में। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।